मैं ध्रुव कुमार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक्सटर्नल एक्सचेंज कब तक आएगा इसके बारे में जानकारी बताएंगे, और ईआईपी पैकेज जो सीआरयू के माध्यम से मिल रहे हैं वो कब तक मिलेंगे और इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इसके बारे में प्रॉपर आपको जानकारी बताएंगे। साथ में जो हमारे WCRU लॉन्च होने वाले हैं उसके बारे में जानकारी बताएंगे, और यूजी पे ग्रुप कब शुरुआत होगा इसके बारे में प्रॉपर जानकारी बताएंगे, और नया मार्केटिंग प्लान होगा उसमें कितना हमको बेनिफिट मिलेगा और कैसा रहेगा नया मार्केटिंग प्लान और किस पे हमको वर्क करना पड़ेगा अगले दिनों में, तो सारा जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। आपको लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए, साथ में अपने टीम को भी ज़रूर दिखाना चाहिए, और जो एकदम नया है पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसी तरीके से मैं इन्फॉर्मेशन कंपनी के ऑफिशियल जानकारी के साथ में आते हैं और आपको प्रॉपर जानकारी बताते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को प्रॉपर कंपनी की जैसी जानकारी है वहाँ से सेम वही जानकारी आप तक पहुँचे प्रॉपर वे पे, इसलिए आप डायरेक्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको टाइम टू टाइम जानकारी मिलता रहेगा। तो शुरुआत करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे न्यूज़ सेक्शन में देख ही पाए होंगे, अब नहीं देखे होंगे उनको एक बार फिर से दिखा देना चाहता हूँ। कंपनी हमको कल ही बता चुकी है कि हमारा जो पहला स्टार्ट 16 तारीख को होने वाला था, 16 में ना होकर के 17 रात में हुआ था, क्योंकि 16 रात के शाम 5:30 में शुरुआत होना था, बट नहीं हो पाया टेक्निकल इशू आने की वजह से। इसके बाद 17 रात में स्टार्ट हुआ, लेकिन कंपनी का जो रेफरल लिंक था वो रेफरल लिंक थोड़ा डिफरेंट लगा लोगों के लिए। सब कोई भी जैसा स्ट्रक्चर था वैसा ना ज्वाइन करके अपने ही जिससे मर्जी है ज्वाइनिंग करने लगे, जिससे काफ़ी मुश्किलें उत्पन्न हो रही थी, काफ़ी लोगों के मन में नेगेटिविटी उत्पन्न हो रही थी। यह समस्या को लेकर के जितने एम्बेसडर हैं पूरे वर्ल्ड से, हम लोगों ने कंपनी का एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ, और उस मीटिंग में हम सभी ने कंपनी को बताया कि ऐसा करना सही नहीं रहेगा, इस डिसीजन को कैंसिल किया जाए, और कंपनी ने इस डिसीजन को लेते हुए इसको कैंसिल किया, और ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि स्ट्रक्चर को लेकर के काफ़ी समस्या हो रहा था, तो इस पे सुधार करते हुए कंपनी बहुत ही जल्द इसको कोशिश कर रही है कि 23 तारीख तक इसको स्टार्ट कर दें, 23 तारीख यानी मंडे तक, तो बहुत जल्द ये स्टार्ट हो जाएगा पुनः। कोशिश ये किया जा रहा है इस बार कि डायरेक्ट जो लॉगिन है, यूज़र आईडी है और जीमेल है, उसी से कनेक्ट कर दिया जाएगा, और आपके जो स्पॉन्सर होंगे उससे कॉन्टैक्ट करके उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा और आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे, तो ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि सेम स्ट्रक्चर रहेगा तो किसी तरीके से कोई नेगेटिविटी आने की नहीं रहेगी। ऐसे भी एक्सचेंज से बहुत ही कम रेफरल करने से बहुत ही कम नहीं के बराबर आपको बहुत ही कम बोनस मिलेगा। ऐसा नहीं कि रेफरल कर दिए तो एक्सचेंज से तो बहुत ज़्यादा बोनस मिलेगा, ऐसा नहीं है, बहुत ही कम मिलेगा, लेकिन सिस्टमेटिक होगा तो बहुत अच्छा होगा, कोई नेगेटिव नहीं होंगे, सबके मन में बहुत ही अच्छा भाव उत्पन्न होगा। सबसे खुशी की बात है कि हमारे बीच में एक्सटर्नल एक्सचेंज ओपन हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, मैं काफ़ी खुश हूँ। आप लोग भी मुझे विश्वास है कि खुश होंगे, कैसे कि जैसे आप स्टार्ट किए होंगे उस समय के वैल्यू और एक्सचेंज में जो वैल्यू आएगा वो बहुत ही अमेजिंग आएगा, सोच भी नहीं सकते ऐसा वैल्यू आएगा, तो सोचने के और वो दिन लगभग समाप्त हो गया है। अब यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन में कि 2 दिन 12 घंटे 30 मिनट 47 सेकेंड अभी बचा हुआ है, जो CRU का EIP पैकेज है, वन टाइम पैकेज या इंस्टॉलमेंट में पैकेज जो भी है, उसका बेनिफिट लेने के लिए अभी आपके पास मात्र 2 दिन 16 घंटे ही बचा है। इस बेनिफिट को आप लीजिए या तो फिर आप वेट कीजिए, आपके ऊपर है, लेकिन ऐसा सुनहरा मौका फिर नहीं आएगा, क्योंकि आज जो वैल्यू है आने वाले समय पे ऐसी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी कंपनी के इन्फॉर्मेशन कहाँ से रजिस्टर्ड है और किस तरीके से सारा जानकारी उसमें दे दूंगा, ताकि आप लोग उसको देख करके वॉच करके आप रीड कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें 15 बिलियन का
$15 बिलियन कंपनी का जो वैल्यूएशन हुआ, वो वैल्यूएशन के साथ में आप देख सकते हैं इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, इतनी बड़ी कंपनी हम लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस बेनिफिट को सभी को लेना चाहिए, क्योंकि ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। अभी जो बेनिफिट मिल रहा है, जो मौका मिल रहा है, और यहाँ से आप अभी की डेट में EIP में आ करके वन टाइम या तो इंस्टॉलमेंट में अभी ले सकते हैं। इसका बेनिफिट लेने के लिए मात्र 2 दिन बचा हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरीके से वन टाइम जो लेंगे यहाँ ले सकते हैं, जो वन टाइम में मिल रहा है सेम आप उसको चाहें तो इंस्टॉलमेंट में भी लेंगे, सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। इस बेनिफिट को अभी 23 तारीख तक आपको लेना है, 23 तारीख के बाद ये बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि 23 तारीख के बाद जो रेट बढ़ने वाला है WCRE के रूप में आएगा, तो उससे ये होगा कि जो आप इंस्टॉलमेंट में ले रखे हैं उसी रेट पे आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। आने वाले अगर 10 महीने का लेते हैं इंस्टॉलमेंट तो 10 महीने तक, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को सेम रेट से मिलता रहेगा और उसका बेनिफिट हम सब लेते रहेंगे। तो इस सुनहरा मौका को सभी को लाभ लेना चाहिए, और अगर नहीं ले पाते हैं तो फिर इसका बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि एक CRO का जो वैल्यू है वही एक WCRO का वैल्यू होगा, और WCRO जब स्टार्ट होगा उसका वैल्यूएशन 35 सेंट से स्टार्ट होने वाला है। उसको भी अभी मैं दिखाने वाला हूँ, जैसे यहाँ एक पैकेज को दिखाता हूँ। यहाँ से अभी जो रेट पैकेज है 50 यूनिट में 167 CRO, इसी तरीके से 250 यूनिट में 1000 CRO, और 1000 यूनिट में आपको 5000 CRO, 4000 यूनिट में 26667 CRO, और 10000 यूनिट जो EIP हायर एजुकेशन पैकेज है उसमें 76923 CRO। इसी तरीके से आपको EIP में भी सेम, यानी इंस्टॉलमेंट में भी सेम मिलता है। तो इस बेनिफिट को आपको लेना चाहिए। यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं, एक बार फिर से इसको दिखाता हूँ कि 50 में आपको 167 CRO मिल रहे हैं। अब 167 CRO समझ सकते हैं कि 167 WCRO है, इसको ट्रांसफ़र WCRO के रूप में आप कर सकते हैं। अब आते हैं एवरेज के पोर्टल पे। एवरेज आप 2 दिन 16 घंटे 23 मिनट 15 सेकेंड के बाद ये ओपन होगा। हम लोगों को लॉन्चिंग है यूवरिच प्लान, मार्केटिंग प्लान प्लस यूवरिच का पूरा सिस्टम UG पे ग्रुप लॉन्चिंग होगा, क्योंकि 23 नवंबर 2020 को कंपनी के जो CEO आंद्रे होरातो जी हैं इनका जन्मदिन है। इस जन्मदिन के उपलक्ष में पूरे वर्ल्ड को इस नए सौगात के साथ आ रहे हैं और नया सुनहरा मौका लेकर के आ रहे हैं। इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट होकर के, मुझे विश्वास है कि यह बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा और यूरिच के माध्यम से सभी लोग वर्ल्ड में अपना फाइनेंशियल फ्रीडम कर पाएंगे। दुनिया का जो नया आर्थिक विकास है, कंपनी का मिशन विजन है कि 15-30% लोगों को फाइनेंशियल फ्री करना, साथ में एजुकेशन देना। नहीं तो लोग के पास पैसे होंगे लेकिन उसको पैसे को बचा नहीं पाएंगे, ग्रीडी होकर के कहीं और खर्च कर देंगे, कहीं और लगा करके उसको गलत यूज कर देंगे, उसको प्रॉपर रूप से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। सारा चीज़ का यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है, उस ट्रेनिंग को भी ले पाएंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा 23 नवंबर के बाद रेफरल लिंक आपको यहीं से लेना है। ऐसे आप डायरेक्ट UG पे से ज्वाइनिंग हो सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट UG पे से ज्वाइनिंग होकर के जो वर्क करेंगे उनको कोई भी रेफरल कमीशन नहीं मिलेगा। इसलिए सभी को यूवरिच का रेफरल लिंक ही यूज करके ज्वाइनिंग कराना है। जैसे यहाँ पे जो रेफरल लिंक है देख रहा है इसको कॉपी करेंगे, इसे कॉपी करके इसमें ज्वाइनिंग कराएंगे। जैसा स्ट्रक्चर है अभी, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, नया लोगों की रजिस्ट्रेशन इसमें होगी। जैसे यहाँ पे 2124 अभी दिख रहा है मेंबर, और इसी में एक मेंबर नया और जुड़ जाएगा तो 2125 मेंबर यहाँ पे हो जाएगा। नया लोग जुड़ेंगे उसका मार्केटिंग प्लान कुछ और रहेगा, नए लोगों का जो बेनिफिट आएगा वो कुछ और रहेगा, उसको भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ से वैलेट से टॉप अप करेंगे, या तो फिर आपके पास यूनिट है उस यूनिट को यहाँ पे लाएंगे, और यहाँ से जो यूनिट है इस यूनिट को आप ट्रांसफ़र भी कर पाएंगे।
ट्रांसफ़र करने का सारा सिस्टम ओपन हो जाएगा। अभी जस्ट काम इस पर चल ही रहा है, बहुत जल्द ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जा करके आप इसमें ऑलरेडी ऑप्शन दिया रहता है, यहाँ पे जा करके आप इसमें API में है या तो फिर TNG में है, CRU में है, इसी में ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्ट UG पे। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट UG पे में भी ट्रांसफ़र यूनिट करके यहाँ पे टॉप अप करेंगे और ट्रांसफ़र यूनिट करेंगे UG पे में, और UG पे से आप ख़रीदी कर पाएंगे डायरेक्ट WCRU। तो ये सिस्टम होने वाला है और ये सिस्टम चालू होगा तो बहुत ही अच्छा सबके लिए रहेगा, क्योंकि जब UG पे स्टार्ट होगा ये मिनिमम इसकी जो प्राइस रहेगी वो मिनिमम 35 सेंट से स्टार्ट होगा। तो इस बेनिफिट को लेना ना भूलें, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा और इस मौके का लाभ सभी को लेना चाहिए। इसमें VIP क्लब कंपलसरी होगा, VIP क्लब लेना कंपलसरी होगा। और टोटल आप लोगों को बता दें कि टोटल 80 बिलियन CRU है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है 35 बिलियन CRU के रूप में और 45 बिलियन WCRU के रूप में। 35 बिलियन जो CRU है उसमें 2 बिलियन CRU डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जो TNG के प्री IPO इक्विटी शेयर लिए हैं 1 अक्टूबर 2014 से लेकर के 1 अक्टूबर 2020 के बीच में जो लेकर के रखे हैं उनको गिफ्ट स्वरूप 2 बिलियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और 30 बिलियन पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है CRU के रूप में, EIP पैकेज के रूप में। तो उस हिसाब से 32 बिलियन हो रहा है और 2 बिलियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसमें जो ले चुके हैं TNG के प्री IPO इक्विटी शेयर उनको एक बार KYC वेरिफिकेशन कंपलसरी होगा और एक बार मिनिमम VIP क्लब कंपलसरी होगा, तभी जाकर के बेनिफिट ले पाएंगे। इसका आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ कि सभी लोग इसका KYC और वन टाइम VIP क्लब लेकर के रख लीजिए। ये 30 नवंबर के बाद ये मिलना स्टार्ट होगा, 2 बिलियन डिस्ट्रीब्यूट होगा और सभी में ये बेनिफिट मिलेगा और सब इसका लाभ लेंगे। ये कंपनी अपना 6वां सालगिरह के उपलक्ष्य में ये अनाउंस किया था, ये जानकारी दिया था। इस जानकारी के थ्रू आप लोगों को इससे संबंधित वीडियो भी बना चुके हैं। तो 32 बिलियन और 30 बिलियन CRU स्टेकिंग के लिए, जितने लोग स्टेकिंग करेंगे वो 3 बिलियन के जितने अंदर में आएंगे उतने ही तक स्टेकिंग का प्रोसेस चलेगा, बाद में फिर उसको स्टेकिंग वाला प्रोसेस समाप्त हो जाएगा। बाद में कंपनी अपडेट करेगी अपनी जैसा रहेगा फ्यूचर में, जैसी ज़रूरत पड़ेगा उसके अनुसार। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट UG पे का ग्रुप, जिसके पास ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है, प्लस बटन दिख रहा है, इस प्लस बटन को दबाएंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे UG पे का दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी अभी काम चल ही रहा है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे अभी एक WCRU का वैल्यू 0.35 यूनिट दिख रहा है, 35 सेंट दिख रहा है। तो मैं वहाँ पे किया था 167 CRU का $50, तो अभी जो आपको मिल रहा है उस हिसाब से तो 58 यूनिट में आपको 167 यहाँ पे WCRU मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं पैकेज, कोई भी पैकेज सेलेक्ट करके आप यहाँ पे बेनिफिट उसका ले सकते हैं। जैसे 5000 लेने के लिए WCRU आपको 1750 यूनिट पे करने होंगे। तो इस तरीके से ये प्लान स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से जिसको जितना सक्षम है वो लेंगे और वर्ल्ड वाइड लोग लेंगे और सभी तरह से लोग लेंगे, क्योंकि एक्सचेंज जब ओपन हो जाएगा उम्मीद है कि 23 तारीख से पहले भी ओपन हो जाए, और प्रयास किया जा रहा है कि 23 तक ओपन हो ही जाए। जैसे ही ओपन होगा तो वर्ल्ड वाइड सभी लोग इसमें इंक्लूड होंगे। अभी जो पेयर चालू हो रहा है वो CRU टू USDU और UNTB टू USDU, दो पेयर चालू हो रहे हैं। आप USDU में ट्रांसफ़र करके CRU को या CRU को WCRU में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर WCRU से आप उसे CRU से USDU में कर पाएंगे और USDU से आप उसको चाहें तो सेल कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे या BTC खरीद पाएंगे, एथेरियम खरीद पाएंगे। इस तरीके से बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप कंपनी जैसा अपडेट आएगा वो बता दिया जाएगा। मैं भी कोशिश करूंगा आपको प्रॉपर जानकारी बताने के लिए। तो मंडे से सारा जानकारी नया, आपको नया नया अपडेट और भी बहुत सारा आएगा, वो सारा जानकारी आप लोगों को
कोशिश करूँगा बताने के लिए, और सब आपको प्रॉपर जानकारी हो जाएगा। तो अभी मेन वही अब जानकारी है कि जो आप बेनिफिट ले रहे हैं उस बेनिफिट को स्टार्ट होने से पहले ही बेनिफिट ले लीजिए, नहीं तो यहाँ से, क्योंकि जो CRU का वैल्यू अभी है वही CRU का वैल्यू यहाँ पे रहेगा, लेकिन नया जो खरीदेंगे उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा और लोग खरीदेंगे भी। ये भी इनिशियल स्टेज रहेगा, बाद में अब बहुत लोगों के होगा कि साल भर में बाद हम खरीदेंगे, तो वो मौका नहीं मिलेगा साल भर बाद। साल भर बाद वो पछतावा जैसे हो जाएगा। आप 100 WCRU खरीदने के लिए भी काफ़ी पे करने पड़ेंगे, जैसा आप 35 यूनिट अभी पे कर रहे हैं, लेकिन उस समय हो सकता है कि 100 यूनिट में 100 करना पड़े, या तो ज़्यादा भी करना पड़ सकता है, $100 भी करना पड़ सकता है, $500 भी करना पड़ सकता है, वो अकॉर्डिंग टू मार्केट। तो जैसा मार्केट में उस समय रहेगा वैल्यूएशन, उसके अनुसार आपको इस पे इन्वॉल्व हो करके इसका बेनिफिट लेना पड़ेगा। तो इस बेनिफिट को अभी जितना जल्दी हो सके आप लेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। फिर भी अगर आप अभी भी सोच रहे हैं तो ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि कंपनी का देख ही रहे हैं डे बाय डे किस तरीके से काम हो रहा है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें समय लगता है, क्योंकि कई तरह से कई लोग अच्छे लोग भी हैं और कई बुरे लोग भी आ जाते हैं, जैसे हैकर्स का डर रहता है, नया चीज़ अभी अपडेट हो रहा है, तो बहुत सारा चीज़ रहता है। सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कंपनी काम कर रही है, तो काम बहुत सिस्टमेटिक वर्क हो रहा है। हम लोग भी पूरा मीटिंग, कल भी मीटिंग हुआ था, उसमें नए नए अपडेट्स आए थे कंपनी के, तो सब ये सारे चीज़ों का जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाए दिया जाएगा। आपको हमेशा बैक ऑफिस को फॉलो करना है, इसको देखते रहना है और पूरी जानकारी यहाँ से लेते रहना है, ताकि आप लोग जानकारी ले करके अपनी टीम को भी बताएं और कोशिश करें कि इस बेनिफिट को सभी तक पहुँचाएँ, इस बेनिफिट को सभी को बताएं। लेना नहीं लेना इस बेनिफिट को लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी जो CRU मिल रहे हैं उसकी भी लॉकिंग पीरियड 150 दिन का रहता है, लेकिन WCRU को वैल्यू लॉकिंग पीरियड 365 डे का रहेगा। लेकिन जिसकी अनब्लॉक CRU हो जाएगा और डायरेक्ट WCRU में एंटर करके उसका बेनिफिट कई तरह से ले सकते हैं, जैसे USDU के रूप में, UNTV के रूप में, WCRU स्टेकिंग के रूप में, और भी बहुत सारे बेनिफिट आएगा। जैसे एक्सचेंज ओपन होने के बाद बहुत सारा जानकारी आपको कंपनी के बैक ऑफिस वेबिनार और मेरे द्वारा भी बताया जाएगा। आपको धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है और कंटिन्यू काम करने की ज़रूरत है, इस बेनिफिट को लेने की ज़रूरत है। अभी हमारे बीच में नए मार्केटिंग प्लान स्टार्ट होगा, इस मार्केटिंग प्लान में बहुत सारा बेनिफिट हम लोगों को मिलने वाला है, और बेनिफिट कुछ इस तरीके से रहेगा। जो पार्टनर रैंक पे रहेंगे उस पार्टनर रैंक 21% तक का बेनिफिट ले पाएंगे, और फर्स्ट लेवल में 7% और सेकेंड लेवल में 5, तीसरे में 4%, चौथे में 3, पाँचवें में 2, इस तरीके से टोटल 5% तक का बेनिफिट ले करके टोटल 21% का बेनिफिट पार्टनर रैंक वाले ले सकते हैं। इसी तरीके से एजेंट वाले, खुद की उनकी पर्सनल यूनिट वैल्यूम है वो कम से कम 200 यूनिट की होने चाहिए, और डायरेक्ट उनका 8% मिलेगा, सेकेंड लेवल में 7%, थर्ड में 5%, चौथे में 4, पाँचवें में 3, उस हिसाब से टोटल 27% का बेनिफिट एजेंट रैंक वाले ले सकते हैं। उसी तरीके से जो कंसल्टेंट हैं उसकी पर्सनल वैल्यू यहाँ पे 500 यूनिट होने चाहिए। अगर जो एजेंट हैं उनके अगर 200 है, इसमें मात्र उनको 300 यूनिट और लेने की ज़रूरत है, उस हिसाब से आपका 500 हो जाएगा, वो काउंट हो जाएगा। तो 500 यूनिट में डायरेक्ट में आपको फर्स्ट लेवल में 8%, सेकेंड में भी 8%, तीसरे लेवल में 5, चौथे में 4, पाँचवें में 3, और 6 से लेके अनलिमिटेड लेवल तक 2 से लेके 4% तक आपको 32% तक का आप बेनिफिट ले सकते हैं कंसल्टेंट में। यहाँ 2 से लेके 4 वेरिएबल इसलिए रहता है क्योंकि आपके नीचे अगर एक कंसल्टेंट और बनेगा तो आपका $2.25% हो जाएगा। उसी तरीके से एक कंसल्टेंट और आपके नीचे अलग साइड में बनेगा तो उस हिसाब से 2.5 आपका हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। इस तरीके से आपका बेनिफिट यहाँ से मिलेगा, टोटल 32% का आप लाभ ले पाएंगे।
इसी तरीके से आप मैनेजर रैंक में हैं तो 1000 यूनिट पर्सनल वैल्यू आपके होना चाहिए यूनिट में, और डायरेक्ट में 8%, सेकेंड में 8%, थर्ड में 5%, चौथे में 4, पाँचवें में 3, और 6 से लेकर लिमिटेड लेवल तक 4 से 6.5% तक ले पाएंगे, टोटल 34.5% तक का। इसी तरीके से जो लीडर मैनेजर है पर्सनल वैल्यूम 2500 यूनिट का होना चाहिए, डायरेक्ट में 8%, सेकेंड में 7, तीसरे में 5%, चौथे में 4%, पाँचवें में 3%, और 6 से अनलिमिटेड लेवल तक 6.5 से लेकर के 8% तक का बेनिफिट मिला करके टोटल 36% का बेनिफिट ले पाएंगे। इसी तरीके से जो टॉप मैनेजर है पर्सनल वैल्यूम 5000 का होना चाहिए, और डायरेक्ट का 8%, सेकेंड का 8%, तीसरे लेवल में 5, चौथे में 4, पाँचवें में 3%, 6 से अनलिमिटेड लेवल तक 8 से 9% का बेनिफिट मिला करके टोटल 37% का बेनिफिट आप ले पाएंगे। इसी तरीके से जो वाइस प्रेसिडेंट है उसमें 10000 यूनिट का आपका पर्सनल वैल्यूम होना चाहिए, डायरेक्ट का 8%, सेकेंड लेवल में 8%, तीसरे में 5, चौथे में 4, पाँचवें में 3, और 6 से अनलिमिटेड लेवल तक 9 से लेकर 10% तक का बेनिफिट मिला करके टोटल 38% तक का बेनिफिट आप ले पाएंगे। इसी तरीके से जो प्रेसिडेंट रैंक में है तो पर्सनल वैल्यूम प्रेसिडेंट बनने के लिए लगभग यहाँ पे 15000 यूनिट का होना चाहिए, डायरेक्ट में 8%, सेकेंड लेवल में 8%, फिर तीसरे लेवल में 5%, चौथे में 4 और पाँचवें में 3%, 6 से अनलिमिटेड लेवल तक का बेनिफिट जो मिलेगा वो डायरेक्ट आपको 40% का बेनिफिट मिलेगा। और ये बेनिफिट स्टार्ट हो चुका है, अब जो भी बेनिफिट जो भी आईडी लग रहे हैं एवरेज में मिलना शुरू हो चुका है, आप बोनस चेक कर सकते हैं। अभी तक का पहले जो CREO पैकेज मिल रहे थे उसमें 37.5% यानी 37.5% का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे नेटवर्क पे हो रहा था, लेकिन अभी कंपनी अकॉर्डिंग टू रैंक इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया है, प्रेसिडेंट रैंक वाले 40% तक का बेनिफिट ले पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं पहले और दूसरे लेवल पे सेम आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो आप अपने टीम को भी इसी तरीके से एजुकेट करेंगे और आपके टीम भी इस तरीके से बेनिफिट लेंगे तो सबके लिए बहुत अच्छा होगा इसमें बेनिफिट, और सब लोग अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाएंगे। इस बेनिफिट के तहत आप अपना टीम भी अच्छा बिल्ड कर पाएंगे, और जितने ज़्यादा आपका रैंक बड़ा होगा उतना ज़्यादा आपका इनकम भी बढ़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कंसल्टेंट में आपका 32%, तो कहाँ प्रेसिडेंट में आपको 40%, तो इस तरीके से अंतर प्लस में अनलिमिटेड लेवल का जो डिफरेंट है ये बहुत बड़ी इनकम जनरेट करेगा। जितना आप इनकम पहला लेवल से लेके 5 लेवल तक नहीं कमाएंगे उससे कहीं ज़्यादा अनलिमिटेड लेवल की इनकम आप कमाएंगे, क्योंकि रियल कहा जाए तो टीम तो बाद में ही बनता है, शुरुआत में सभी लोग मेहनत करते हैं, शुरुआत में कुछ खर्चे भी हो जाते हैं, उसमें पैसे बचा नहीं पाते हैं लोग और कहीं ना कहीं खर्च हो जाते हैं टीम में, लेकिन बाद के जो टीम आपके बन जाएंगे उस टीम के बदौलत आप अनलिमिटेड लेवल का जो इनकम है वो अच्छा बना पाएंगे अकॉर्डिंग टू रैंक। बस उसमें कंडीशन होता है कि आपके नीचे बड़े रैंक वाले ना रहें, अगर बड़े रैंक वाले अगर आते हैं तो उसकी उस लाइन से आपका इनकम कुछ कम हो जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको काम करने की ज़रूरत है। अच्छा टीम आपका बनेगा तो अच्छा इनकम भी आप इसमें बना पाएंगे। इसके लिए मैं प्रॉपर एक अलग से वीडियो लाऊंगा, कोशिश करूंगा कि इसमें प्रॉपर कैसे ज़्यादा टीम बनाएं, कैसे बढ़ाएं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं इस पर वीडियो लाऊंगा तो कैसा रहेगा, तो लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। पर्सनली इसमें एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि ताकि प्रॉपर रूप से इसमें समझ पाएँ कि टीम कैसे बनाएं। मैं अभी इस पैदान पर हूँ प्रेसिडेंट पोस्ट में, ऑलरेडी मैं 2019 में ही बन चुका था प्रेसिडेंट और इसमें अच्छा खासा अर्निंग कर चुका हूँ। अभी के डेट में अप्रोक्स लगभग 252,000 प्लस की टीम स्ट्रक्चर है, उससे सारे टीम के बोनस और सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। इस तरीके से आप लोग भी बेनिफिट लीजिए, अच्छा बेनिफिट लेंगे तो अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा, अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा तो अच्छा आप अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे और अच्छा वर्क कर पाएंगे। तो अभी सारे चीज़ अपडेट स्टेप बाय स्टेप आते रहेंगे, अभी इस चीज़ को ध्यान रखते हुए सभी को इसका बेनिफिट दिलाइए। 2 दिन 16 घंटे ही बचे हैं, इस बेनिफिट को दिला करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए, और जैसे ही 23 तारीख से स्टार्ट होगा एवरेज का रेफरल लिंक से इसका स्टार्ट करके इसी से रेफरल करना है, सभी को ध्यान रखें।
अगर इससे नहीं करते हैं तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसमें आप अभी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका सिटी का नेम है सेलेक्ट नहीं होता है, उसमें काम नहीं कर रहा है, उस पर वर्क चल रहा है, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद आप काम करना शुरू कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले करके आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हुए वर्क कर पाएंगे। तो अभी जो बेनिफिट स्टार्ट जो होगा 1 CRU का 35 सेंट से होगा, तो अच्छा से अच्छा आप पोर्टफोलियो बनाएंगे और अच्छा बेनिफिट कर पाएंगे। इसी के साथ आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, कोशिश करेंगे कि आपको एक नए विषय के साथ में, नया वीडियो के साथ में आपके आपको नया जानकारी देंगे। इसी के साथ आज ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने टीम में शेयर करके उनको जानकारी देंगे और जानकारी को बताएंगे, और साथ में जो नया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नया वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन और वीडियो को आपको अब तक पहुँचे और उस वीडियो को देख करके आप एजुकेट हो सके ताकि आप टीम को भी एजुकेट कर पाएँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।